ये चना को सेरी के टाइम में भिगा दी थी, अभी इसको उबालने को रख रही हूँ। नमक डाल के इसको उबाल दूंगी। ये पेठा धो के रखी हूँ, आज खाने में यही बनाऊंगी। इस प्रकार जितना था चर्बी उर्बी था सब नोच के निकाल के साफ कर दी हूँ। देखो बहुत मोटा मोटा चर्बी रहता है इसके ऊपर, तो सब निकाल देती हूँ मैं। पूरा साफ हो गया है। ये देखिए 20 रुपए का धनिया का पत्ता कितना सा मिला है, और उसमें भी कितना सारा खराब निकलेगा। ये देखिए 20 रुपये का दिया है, इतना ज़्यादा महंगाई हो गया ना क्या बताऊँ। कमाई जीरो है लेकिन हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। और धनिया भी क्या है, हर एक चीज़ में धनिया लगता है, भजिया में लगता है, सब्जी में, हर एक चीज़ चटनी लगती। तो 20 रुपये का इतना सा मिला है, जो 10 का कुछ दिन पहले 10 का इसका डबल मिलता था। चलिए फिर सब चढ़ाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये आज अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, ये तो कल बनाई थी सैंडविच पेटिस, तो ये कल का 4 पीस बचा हुआ था तो वो तल रही हूँ। और ये आज वड़ा बन रहा है, आलू वड़ा, वड़ा पाव। और बताती हूँ और क्या बन रहा है। और ये है चिकन कबाब, और ये चिकन कांडी, कांडी गोश्त, तो ये बनेगा। और छोले बनाई हूँ, ये देखिए ये छोले बनाई हूँ। बड़ा बन रहा है इसमें, और ये चिकन बनाई हूँ, ये चिकन सेरी के लिए बनाई हूँ, लोग सेरी में खाएंगे, ऐसी भुना भुना बना दी हूँ। आज ना किचन की साफ सफाई मैं कर रही हूँ, निखत अफ्तारी बना रही है। तो अभी ये डब्बा सब निकाली हूँ धोने को, आइए स्टैंड का बर्तन, इस पे का कप उप सब मैं धो दी हूँ। ये देखिए ये सब धो के इधर रख दी हूँ। अभी बचा हुआ वही किचन का मसाले का डब्बा उब्बा, तो ये सब अभी धोऊंगी, और डब्बा सब बाद में धोऊंगी उतार के। अभी जब वो सब हो जाएगा तब धोऊंगी, तो ये सब धो लूंगी। उसके बाद ये बर्तन का स्टैंड उतार के धोऊंगी, ये ओवन साफ करूंगी, और उसके बाद जो जाला उला होगा, जाला उला भी बहुत सारा हो गया है, तो ये सब झाड़ लूंगी, ये सब करूंगी अफ्तारी के बाद। अभी ये डब्बा उब्बा धो के रख देती हूँ, उसके बाद अफ्तारी के बाद ये सब होगा, तो जाके पूरा फिर टाइस सब धोना है। ये बर्तन सबसे ज़्यादा टेंशन थी धोना, क्योंकि बहुत सारा बर्तन भी था, तो मैं सोची पहले बर्तन धो के हटा देती हूँ, बाद में फिर मैं स्टैंड धोऊंगी और ओवन साफ करके फिर जाला झाड़ के पूरा टाइस धो दूंगी। अभी बन रहा है यहाँ पे अफ्तारी, अभी देखिए सैंडविच डला गया है इसमें, और अफ्तारी के बाद पूरी बनाऊंगी छोले के लिए। ये सब निखत बनाई है, मैं इधर साफ सफाई कर रही थी तो अफ्तारी की तैयारी कर ली। इसमें अभी अंडा, जब इसको फ्राई करना होगा ना तो इसको अंडा को घोल के उसमें डुबो के फिर तेल में डाल देने का, तो ये सबसे लास्ट में फ्राई होगा, क्योंकि ये तेल ना, ये तेल में डालने के बाद ना तेल एकदम फेन फेन जैसा हो जाता है, तो अभी जब सब फ्राई हो जाएगा तब लास्ट में ये फ्राई होगा। मेरा खराब कर दिया मेरा पूरा साड़ी उड़ी सब। अच्छा मतलब अपना साफ हो जाए बाकी लोग का खराब कर दो।
मेरा पूरा नकाब उकाब सब तो लगा के रखा हुआ था। ठीक अपना कबाट सरिया रहा है, नया ये सब दिखा दो टी शर्ट तौफीक का जी। पता नहीं किसी दुकान दोस्त का खुला हुआ था, पैसे दिखाओ खोलो मत। एक टी-शर्ट है तो लेकर भेजे हैं, ये इसकी पुरी वाली जीन्स। ये टी शर्ट है, एक ये जीन्स है, ये एक टी शर्ट है, इसके ऊपर वाली जीन्स। देखिए ये टी शर्ट, ये जीन्स। जीन्स इसको पहली बार, इसके अब्बा पहली बार नहीं दूसरी बार है ना। हाँ, ये टी शर्ट है और ये जीन्स, और इसकी जीन्स नहीं आई है। इसकी टी शर्ट नहीं आई है, टी शर्ट आई थी पांच, इसके अब्बा टी शर्ट भेजे थे, लेकिन दो टी शर्ट पुराना बोल रहे हैं, सॉरी वो हो गया, छोटा हो गया वो, दो सीटर। तो तीन टी शर्ट सही था तो मैं इसमें ले ली पैंट में सेट लगा के जीन्स में, और दो छोटी हो गई थी तो रखी हूँ, वापिस करके फिर मंगा लूंगी उसको एक, और सिर्फ एक ही टी शर्ट और चाहिए। इससे पहले भी अभी मैं दो टी शर्ट जीन्स इसका ली थी तो सब मिला के हो जाएगा इसको अभी पहनने में। इसको तो ऐसी ही है, देखिए ये पहने हुआ है ना पैंट शर्ट ऐसा ऐसा इसके अब्बा बना के देते रहते हैं, तो ज़्यादा जीन्स उन्स इसका नहीं खरीदती हूँ, लेकिन ये बार ना पूरा हल्ला किया हुआ था, जीन्स चाहिए चाहिए तो इसके अब्बा लेकर भेजे हैं। अभी कितने दिन से मतलब हल्ला किया था, दुकान वकान भी खुला नहीं था, तो किसी दोस्त का दुकान था उनके, तो वही ला कर दिया था भेजे घर पे कि जाओ पसंद कर लो। तो फिर इसमें पिन लगा हुआ है, इसमें देख तो दो तो छोटा हो गया था, दो वापिस करके ले जाऊंगी। देखिए कुर्ता सब जो सरिया आई है, तो ठीक का मेरे कुर्ता दिखाओ, कुर्ता दिखाओ, पहनता ही नहीं है, ऐसी रखा रखा छोटा हो जाता है ये सब। ये देखिए चलो सरिया लो, मैं भी जा रही हूँ बाकी काम करने। आई मेरे तरफ का तो मेरे को करना पड़ेगा, और ये भी रखना पड़ेगा आपको। अच्छा रख देते हैं, चलो ठीक। तो यहाँ पे हम लोग किचन में काम कर रहे थे, निकत अफ्तारी बना रही थी और मैं वही साफ सफाई कर रही थी, डब्बा उब्बा धो रही थी। अंदर रूम में तौफीक पूरा कबाड़ निकाल के फैलाया हुआ था, पूरा कबाड़ का कपड़ा निकाल के अपना फैला दिया था, और मेरा जो साइड में साड़ी नकाब ये सब तह लगा के मैं अच्छे से रखी थी, और सब अपना निकालने में पूरा फैला दिया, बोलता अम्मी आप अपना कर लेना, तो वो सब सरिया सरिया के अपना तह लगा लगा के रख रहा था। और कुर्ता जो दिखाई हूँ जैकेट वाला, ये अभी किसी की शादी थी, हाँ इसके अब्बा के दोस्त के लड़की की शादी थी, तो उसी में ये बनाए थे, दो कुर्ता पैजामा बनाए थे जैकेट के साथ, तो दो बार पहना था, दो बार पहना था ना तौफीक, हाँ दो बार पहना था, और अभी वैसी रखा हुआ है, फिर अभी से वैसी कुर्ता पैजामा फिर से बनवा लिया है, और अभी मतलब ना वो एक बार दो बार ये भी पहनता है और रख देता है। जैकेट वाला मना करती हूँ कि मत बनवाओ, कि कुर्ता तो यूज़ में आ जाता है और जैकेट ऊपर का यूज़ में आता ही नहीं है, फिर भी बनवा लेता है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी रहती है ना कि ये सब चीज़ पहन ही नहीं सकते, जितना हल्का कपड़ा रहे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे अफ्तारी मेरी बन गई थी तो लग गई, और ये जो देख रहे हैं ये जेठ का लड़का है मेरे, इसको ना कल ही दावत दी थी तो बोला चच्ची ऑफिस का छुट्टी नहीं है, तो आज के बारे में बोला था आऊँगा, तो बोली ठीक है आ जाना, क्योंकि ये कल ना अपने गाँव चला जाएगा, आज हाँ कल छुट्टी मिल गई है ऑफिस की, तो मेरे जेठ जेठानी सब वहाँ जलगांव में रहते हैं, तो वहीं अपना घर पे जाएगा परिवार के साथ अपना त्यौहार मनाने, ईद मनाने। ये अकेला इधर का रहता है राजा, काम करने राजा नाम है, और इसकी अम्मी इतनी प्यारी ना क्या बोलूँ, भाभी मेरी इतनी प्यारी है, इतना
मतलब उन्हीं से ऐसा लगता है, वो जेठानी हुई मेरी, इतना अच्छे से बात करती ना, मतलब अपनापन इतना उनसे लगता है ना कि बता नहीं सकती, उतना अपनापन मेरे को किसी से भी नहीं लगता है। इतना प्यार से और समझती भी है कि हाँ, मतलब देवरानी जेठानी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता, इतना प्यार से बात करती हैं। ये राजा है ना, इससे भी मैं अपने हर दिल का बात करती हूँ, मतलब ऐसा किसी से मैं नहीं करती, अपने बच्चे लोग से भी उतना मैं अपने दिल का बात नहीं करती हूँ जितना ही राजा से मैं अपने दिल का बात कर लेती हूँ। और वो भी आएगा ना तो अच्छे से बैठ के बातचीत करेगा। तो आज पूरा रमज़ान निकल गया था, तो मैं सोची बीच में भी एक बार इसके अब्बा फ़ोन किए थे, लेकिन इसको राजा को क्या ऑफिस का छुट्टी मिलता नहीं है जल्दी, तो ये आज बुला ली थी अफ्तारी पे। तो ये सब अफ्तारी कर रहे हैं, और ये पूरी अफ्तारी आज निखत बनाई है, क्योंकि मैं तो अपना किचन में साफ़ सफाई में लगी थी, तो उसको बोली कि तुम अफ्तारी बना लो, मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। तो यही था आई इसमें ना, अभी लास्ट का थोड़ा दो दिन पहले का थोड़ा सा वीडियो था वो, मैं ये वीडियो मैं दो दिन पहले का था तो मैं इसमें ऐड कर ली, मतलब ये तीन दिन पहले का, आगे जो ऐड की हूँ उसमें भी एक दिन पहले का था, ये बीच वाला सिर्फ आज 28 रमज़ान का है जो अफ्तार का है, बाकी वो आगे का दो दिन पहले का, ये भी दो दिन पहले का एक ही दिन का, वो दोनों है। तो बोली इसमें ऐड कर लो, इसके अब्बा भी बहुत दिन के बाद आए थे, तो बोली इनको भी थोड़ा सा ले लेती हूँ, आइए ना गुड्डू के साथ खेल रहे हैं बैठ के, तो मैं सोची ले लेती हूँ। और उस दिन ना दो दिन पहले ना निकट वाइट चिकन बनाई थी, तो ये तौसीफ और तौसीफ का दोस्त मुनाफ खाना खा रहा है, अम्मी मेरी बैठी हुई है। चलिए फिर वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।